Hello, good morning. I am Sisraj. My home houses part number 5 questions for the students. भैया हमारा क्लास 2 के EVS में टॉपिक चल रहा है माई होम या फिर आवर हाउसेस. तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आज हम पार्ट 5 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें 5 प्रश्न आपसे हम पूछेंगे. और कौन से प्रश्न होंगे वो? चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, वहाँ से आपको सही ऑप्शन चुन के उसको नीचे लिखना है. तो ये आज आप हमारा पार्ट है 5 EVS क्लास 2 माई होम. और देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि आप अपना ड्रीम हाउस का जो है पिक्चर भी बना सकते हैं. आपके सपनों का घर, उसका पिक्चर आप कॉपी में, EVS की कॉपी में बना सकते हैं. और माई ड्रीम हाउस के बारे में हमने 10 सेंटेंसेज आपको बता दिए थे. आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आपके ड्रीम हाउस के बारे में. तो आप माई ड्रीम हाउस के बारे में कोई पिक्चर बना सकते हैं और कुछ सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं. तो लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स. अब देखिए, बॉक्स में क्या क्या दे रखा है. टेंट्स जो हम पढ़ चुके हैं पहले, इग्लूज, स्लोपिंग नहीं पढ़ा था हमने, तो स्लोपिंग का मतलब बता देते हैं. स्लोपिंग का मतलब जिनकी छत जो है वो ढलान होती है ना, ढाल होती है, उसमें स्लोपिंग रूफ बोलते हैं उनको. हाउस स्ट्रॉन्ग, तो इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है. पहला ऑप्शन देखिए, वी ऑल नीड अ डैश टू लिव इन. हम सबको रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वी ऑल नीड अ डैश टू लिव इन. तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाउस. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें एक घर की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 2, माउंटेन क्लाइंबर्स ऑफन कैरी डैश विद देम. जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ में क्या लेके चलते हैं हमेशा? माउंटेन क्लाइंबर्स ऑफन कैरी डैश विद देम. जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, वो अपने साथ हमेशा क्या लेकर के चलते हैं? तो सही आंसर होगा इसका टेंट्स, TENTS, टेंट्स. तंबू रखते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ जाए. क्वेश्चन नंबर 3, अ हाउस बिल्ट ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स इज वेरी डैश. एक ऐसा घर जो सीमेंट और ईंटों का बना होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है? अ हाउस बिल्ट ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स इज वेरी. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आप बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रॉन्ग. यानी सीमेंट और ईंटों का जो घर बना होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. क्वेश्चन नंबर 4, एस्किमोज लिव इन. जो एस्किमो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो हमने पहले बात की थी, एस्किमोज लिव इन. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आप चूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं. एस्किमो एक जनजाति होती है, वो कहाँ रहते हैं? इसका सही आंसर होगा इग्लूज. तो एस्किमो कहाँ रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं. जो बर्फ का घर होता है ना, उसको इग्लू बोलते हैं, और वो इग्लूज में रहते हैं एस्किमो लोग. क्वेश्चन नंबर 5, एरिया विथ अ लॉट ऑफ रेन हैव. जो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, उनके घर कैसे होते हैं, उनके घरों की छतें कैसी होती हैं? तो एरिया विथ अ लॉट ऑफ रेन हैव डैश रूफ्स. तो उनकी रूफ्स स्लोपिंग रूफ्स होती है, ढलान वाली छत होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो छत से नीचे गिर जाए, ढलान में नीचे चला जाए. तो इसका आंसर होगा स्लोपिंग रूफ. तो पहला था, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर की ज़रूरत होती है. दूसरा था, माउंटेन क्लाइंबर्स ऑफन कैरी टेंट्स विथ देम. तीसरा था, अ हाउस बिल्ट ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. चौथा था, एस्किमोज लिव इन इग्लूज. पांचवा था, एरिया विथ अ लॉट ऑफ रेन हैव स्लोपिंग रूफ्स. तो अगली बार हम जब आएंगे तो ये रिटर्न वर्क जो है, ये आप वीडियो में से मत लिखें, हम आपको ये रिटर्न वर्क भेजेंगे, वहाँ से आप देख के
लिख सकते हैं। और पांचों प्रश्नों में से हमें बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और फिर हम आपके सामने 5 या 10 प्रश्न फिर लेकर के आएंगे माय होम टॉपिक के बारे में। इसलिए तब तक के लिए खुश रहिए, अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।